हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हम आ गए हैं। अभी आप लोगों का जो ठोस अवस्था था, जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने डिस्कशन किया था हिंदी मीडियम बैच के लिए, तो हम लोग देख रहे थे पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को ठोस पदार्थों के बारे में बताया था, और पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि ठोस पदार्थों को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अंतर था वो तो हम लोग देख लिए थे। कि क्रिस्टलीय ठोस का मतलब बताए थे कि जिसका जो ज्यामिति आकृति है वो निश्चित होता है, एक निश्चित आकार के रूप में होता है, मतलब उसके अभ्यवीकरण एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, रेगुलर होते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस था उसके अभ्यवीकरण सब जैसे तैसे होता है, कोई निश्चित ना आकार के रूप में व्यवस्थित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस भी बोलते हैं, ट्रू सॉलिड ये है, और इसको हम लोग आभासी ठोस भी बोलते हैं। और आभासी ठोस इसलिए बोलते हैं इसको कि इसमें कुछ न कुछ जो गुण है ना वो थोड़ा सा द्रव के जैसा भी आ जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग आभासी ठोस कहते हैं। और इसी में आपको बताया था कि जैसे कांच है, कांच को हम लोग बोले थे क्या, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत दिन जब हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें है ना वो क्या होता है, फ्लो होता है हल्का हल्का, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, बहुत धीरे धीरे होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा गुण इसमें लिक्विड के जैसा होता है, इसलिए हम लोग इसको आभासी ठोस के नाम से जानते हैं। बताया था कि ये विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक कहने का मतलब इसका भौतिक गुण सारे दिशाओं में सेम नहीं होता है, ये समदैशिक होता है इसमें। और हमने डिस्कस किया था कि इसका जो गलनांक है या क्वथनांक है वो निश्चित होता है, शार्प होता है, और इसका गलनांक और क्वथनांक शार्प नहीं होता है, कि रेंज में होता है, एक परास में होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर जो ठोस पदार्थों को हमने दो भाग में बांटा है, तो उसमें जो क्रिस्टलीय पार्ट जो देख रहे हैं इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है डिटेल। ये चैप्टर जब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो समझिए कि अब हम लोग को क्रिस्टल्स के बारे में ही पढ़ना है। तो क्रिस्टलीय ठोस, अब जो हम लोग देख लिए कि भाई क्रिस्टलीय, जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो दिमाग में हम लोग एक ही बात आता है, क्रिस्टलीय का मतलब जिसका संरचना निश्चित हो, जिसके अभ्यवीकरण एक रेगुलर पैटर्न में हो, सब जैसे तैसे नहीं हो, कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था व्यवस्थित रूप में ये अने वहाँ पे स्थित है। तो आखिर क्रिस्टलीय को भी जो है ना, अब व्यवस्थित का मतलब यहाँ पे ये हो गया, व्यवस्थित तो बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, अगर हम लोग दीवार जो देखते हैं, दीवार जो होता है वो किससे बनता है, ईंट से। तो दीवार जब हम लोग बनाते हैं ईंट के द्वारा, तो ईंट को हम लोग कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं, समझिएगा बात को। सिर्फ ईंट को भी ईंट के ऊपर अगर रख दें और रखते चले जाएं, तो इस तरीके से एक दीवार का निर्माण हो जाता है, हो जाएगा। इस तरीके से रखते चल जाइए, कुछ नहीं, खाली ईंट के ऊपर ईंट जो है ना अरेंज कर देना है। कहीं कहीं क्या देखते हैं, दीवार जब बनाते हैं तो ईंट जो है ना रखते हैं, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा गीला मिट्टी डाल देते हैं। दीवार देखते होंगे, पहले मिट्टी का दीवार होता, मिट्टी कहने का मतलब ईंट के बीच में मिट्टी डाला हुआ रहता था, सीमेंट नहीं था। पहले के ज़माने के जो घर बनते थे ना, उसमें सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या किया जाता था, ईंट को रखे उसके बीच में थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया गीला करके, फिर ईंट को रखे उसके बीच में मिट्टी डाल दिया, उस तरीके से भी एक दीवार बनाया गया ना। तो यहां पे समझेंगे बात को, ये भी एक दीवार बना। और आजकल का जो घरों का जो दीवार बन रहा है उसमें क्या देखते हैं, ईंट के बीच में सीमेंट और बालू को मिला के डाल दिया जाता है, तो वो भी एक दीवार ही बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, दीवार तो हमने कई तरीके से बना लिया, लेकिन जितने भी दीवार बने हैं क्या सभी का मजबूती बराबर है? नहीं, सबका मजबूती अलग अलग है। जो सिर्फ ईंट को अरेंज करके बनाया गया है उसका मजबूती सबसे कम है, उसको थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, ये दीवार गिर जाएगा, है ना। मिट्टी वाला जिसमें मिट्टी डाला हुआ है उसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा मजबूती, लेकिन जो जिसमें सीमेंट और बालू मिलाया हुआ है जिस ईंट के बीच में, उसका मजबूती सबसे ज़्यादा है, और इसको अगर आप गिराना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बल की ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने तीनों जो दीवार आपने देखा, वो तीनों तो ईंट से ही बना था, लेकिन तीनों का जो मजबूती है वो अलग अलग है। तो अरेंजमेंट देखिए सबका सेम है, लेकिन मजबूती सबका अलग अलग है। यही बात यहाँ पे क्रिस्टलीय में हम बात डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्रिस्टल जब हम लोग देखते हैं तो उसके जो अवयवी कण होते हैं वो अरेंज तो होते हैं,
मतलब नियमित रूप में तो एकदम अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, लेकिन उन अवयवी कणों के बीच में जो अंतरान्विक बल है वो किसी में ज़्यादा मजबूत लगता है, किसी में कमजोर लगता है, कम आकर्षण बल लगता है ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे बर्फ है, बर्फ भी ठोस पदार्थ है और लोहा भी ठोस पदार्थ है, तो बर्फ को जब हम लोग हथौड़ी से मारते हैं तो देखते हैं तुरंत चूर चूर हो जाता है, भंगुर होता है, लेकिन लोहा को जब लोग हथौड़ी से मारते हैं तो वो चूर नहीं होता, वो चपटा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के जो अवयवी कण है उसमें उसके बीच में जो बल लग रहा है ना, किसी में बल मजबूत लग रहा है, किसी में कमजोर। तो आप खुद बताइए कि बल ज़्यादा किस में लग रहा है, बर्फ में लग रहा है या लोहा में? ऑब्वियस है कि लोहा के अवयवी कणों के बीच बल ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हथौड़ी से मारने पर भी वो बल नहीं टूटता है, इसलिए वो चपटा होकर रह जाता है। तो उसी बलों के आधार पर किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ के जो अवयवी कण है उसके बीच लगने वाले अंतरान्विक बल है ना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को चार पार्ट में डिवाइड किया गया। कोई पूछेगा कि भाई क्रिस्टलीय को चार पार्ट में किस आधार पर डिवाइड किया गया, तो उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर, अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कोई आपसे पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कितने प्रकार के? चार प्रकार के। तो यहाँ पे हम लोग चारों का डिस्कशन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ चार प्रकार के कौन कौन? तो पहला हो गया, यहाँ पे ऐसे करके दिखा देते हैं, हम लिख देते हैं, पहला है आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। दूसरा जो बांटा गया है वो है सहसंयोजक क्रिस्टल। एग्जाम्पल देंगे सब समझ में आ जाएगा। दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल या कोवैलेंट क्रिस्टल भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो होगा आण्विक क्रिस्टल, आण्विक क्रिस्टल जिसको इंग्लिश में हम लोग मॉलिकुलर क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है वो है धातुई क्रिस्टल या धात्विक क्रिस्टल के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं मेटालिक क्रिस्टल। तो इस तरीके से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को कितने पार्ट में? चार पार्ट में डिवाइड किया गया। किस बेसिस पे? उसके अवयवी कणों के बीच लगने वाले अंतरान्विक बल के बेसिस पे, है ना, किस में ज़्यादा किस में कम। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं वो है आयनिक क्रिस्टल। अब नाम से ही समझ गए होंगे आयनिक क्रिस्टल किससे कहते हैं। कोई भी आपसे पूछ देगा आयनिक क्रिस्टल क्या है, तो यदि किसी ठोस पदार्थ के अवयवी कण आयन के रूप में उपस्थित हों, धनायन और ऋणायन के बीच के रूप में उपस्थित हों, तो उनके बीच जो है ना वो आयनिक बंधन है ना जुड़ा हुआ रहता है। और आयनिक बंधन अगर किसी अवयवी कणों के बीच में उपस्थित है तो उस प्रकार के जो क्रिस्टल बनते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लें NaCl, तो NaCl कैसे रहता है आपको मालूम है, Na पे प्लस Cl पे माइनस, एक धनायन है दूसरा ऋणायन, ये दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी के द्वारा ये दोनों अवयवी कण एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा रहता है। सोडियम क्लोरीन को खींच करके रखता है, क्लोरीन सोडियम को खींच करके रखता है। इस तरीके से ढेर सारे सोडियम और क्लोरीन आपस में इकट्ठा होकर के एक जाल बना देते हैं, उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा आयनिक क्रिस्टल क्या है, तो वैसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक दूसरे से आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। फिर से बोल देते हैं, उसी टाइप से सबका परिभाषा बोल देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, समझ में आ जाएगा। वैसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक दूसरे से आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, बताइए क्या कहलाता है? आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। वैसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक दूसरे से आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, या आयनिक बंधन का दूसरा नाम है स्थिर वैद्युत बल। आयनिक बंधन या स्थिर वैद्युत बल जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो और अगर बढ़िया से मॉडिफाइड करके परिभाषा इसका लिखना चाहते हैं, वैसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण एक दूसरे से आयनिक बंधन के द्वारा या स्थिर वैद्युत बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है, बोलिए क्या कहलाता है? आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। आयनिक क्रिस्टल का कोई एग्जाम्पल पूछे कि आयनिक क्रिस्टल का एक दो एग्जाम्पल बताइए, तो जैसे एग्जाम्पल में हो गया NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। देखिए सब के सब आयन में टूटने वाले हैं, एक धातु एक दूसरा धातु है, तो धातु अधातु से मिलकर के जितने भी आयनिक यौगिक जो होंगे वो सभी के सभी आयनिक क्रिस्टल के अंतर्गत आएंगे। अब ये तो समझ में आ गया भाई परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल क्या है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या होता है ना, बताइए ये आयनिक क्रिस्टल सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है? तो सबको पता है
कि आयनिक बंधन, याद होगा हमने 11th में ही पढ़ाया था कि आयनिक बंधन एक मजबूत बंधन है, एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड। तो बंधन जब मजबूत होगा, तो बताइए जब बंधन दो कणों के बीच में मजबूत होगा तो उस कण को अलग करना मुश्किल होगा कि आसान? मुश्किल होगा। तो मुश्किल होगा इसका मतलब है कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसके द्रवणांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं, है ना। नमक जो होगा, KCl, ये सब का जो द्रवणांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होगा। क्यों उच्च होगा? बंधन आयनिक है, इसलिए बंधन मजबूत है। इसलिए तो पहला पॉइंट, इसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरा पॉइंट, बंधन मजबूत है, तो बताओ ये मुलायम होगा कि कठोर? कठोर होगा, तोड़ना मुश्किल होगा, तो ये प्रायः कठोर होते हैं। तीसरा पॉइंट, एक प्रॉपर्टीज और है इसका। क्या प्रॉपर्टीज है, गुण क्या है? कि ये ठोस की अवस्था में जब रहते हैं, माने जब ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होता है? कुचालक। विद्युत का कुचालक कहने का मतलब हो गया कि जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो इससे करंट पास नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको द्रवित अवस्था में, मतलब इसको जब पिघला देते हैं या इसमें जब पानी मिला देते हैं, जल में इसको घुला देते हैं, तब ये विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक। क्यों? ठोस अवस्था में कुचालक क्यों था और पानी मिला देने से या पिघला देने से सुचालक क्यों हो गया? इसलिए कि जब हम लोग इसको पिघला देते हैं या इसमें जब पानी मिला देते हैं, तो यह जो है ना, वो आयन के रूप में टूट जाता है और इसके जो आयन है ना, वो गति में आ जाते हैं, प्लस माइनस की तरफ भागने लगता है, माइनस प्लस की तरफ। आयनों के गति में आ जाने के कारण ये विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। तो इसमें कुछ बात याद रखेंगे। पहला बात हमने बताया, इसका द्रवणांक और क्वथनांक कुछ होता है, ये कठोर होता है और है ना, ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रवित अवस्था या जलीय घोल के रूप में विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो चलिए, इतना चीज़ हम लोग जान गए आयनिक क्रिस्टल के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ देख रहे हैं वो आप लोग, वो है सहसंयोजक क्रिस्टल। क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट क्रिस्टल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सहसंयोजक बंधन ज़्यादातर किसमें बनता है? बोलिए, धातुओं में कि अधातुओं में? अधातुओं में। मतलब इसके अंतर्गत जो भी, मतलब हमारा जो एग्जाम्पल आएगा वो देखिएगा, सब अधातु आएगा। तो चलिए पहले इसको परिभाषित करते हैं। वैसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, शुद्ध सहसंयोजक बंधन, इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई दूसरा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। वैसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण एक दूसरे से शुद्ध सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अगर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो वैसे क्रिस्टल को हम लोग सहसंयोजक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। जैसे है ना। और दूसरा, इसके बाद ये सहसंयोजक बंधन तो होगा ही, साथ ही साथ इसका एक बड़ा सा फॉर्म होगा, है ना। इसके अभी भी कणों का एक विशाल रूप होता है। तो विशाल रूप किसमें हो सकता है? आपको मालूम है हीरा कार्बन से बना है और उसमें कार्बन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक साथ उपस्थित रहता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में, चतुष्फलकीय रूप में। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, क्योंकि हीरा किससे बना है जी? कार्बन से। और कार्बन हमेशा कौन बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन। ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन से। तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकन हो गया, सिलिकॉन हो गया, या फिर सिलिकन ऑक्साइड हो गया, जिसको हम लोग क्वार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्ज। तो ये सभी जो एग्जांपल जो हम लोग देख रहे हैं वो किसका है? सहसंयोजक क्रिस्टल का एग्जांपल है। ये सभी के सभी में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजक बंधन रहता है। और जिसमें सहसंयोजक बंधन रहेगा, आपको मालूम है कि सहसंयोजक बंधन जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, ना। उसकी एक निश्चित दिशा होती है, किस फॉर्म में रहेगा, चतुष्फलकीय, षट्कोणीय, सबका एक निश्चित आकार है। तो इसीलिए ये हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकन और स्क्वार्ज, ये सभी के सभी जो है ना, है ना, ये सभी के सभी सहसंयोजक क्रिस्टल के एक उदाहरण होंगे। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि जिस तत्व में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सहसंयोजक बंधन उपस्थित रहता है, है ना, वो काफ़ी मजबूत होता है और उसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हीरा काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, क्योंकि इसमें शुद्ध सहसंयोजक बंधन एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित है, चतुष्फलकीय रूप में। सिलिकॉन, इसमें शुद्ध सहसंयोजक बंधन होता है, है ना। क्वार्ज काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। सिलिकन कार्बाइड, और भी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, सिलिकन कार्बाइड। तो सिलिकन कार्बाइड हो गया या ग्रेफाइट हो गया, ये सभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी सहसंयोजक बंधन जिसमें उपस्थित होते हैं।
अब आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लें। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, अगर जिसमें सूत एक बंधन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। लेकिन यहाँ पे एक अब बोलेंगे सर ग्रेफाइट तो मुलायम होता है, तो ग्रेफाइट मुलायम इसलिए होता है कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ना वो परतदार होती है। याद होगा हमने आपको 11th में बताया था ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है। परत कहने का मतलब ये एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत। तो ऊपर में तो भाई एक बंधन रहेगा, लेकिन दो परतों के बीच में इसमें एक कमजोर वांडरवाल्स बल होता है। और आपको मालूम है कि वांडरवाल्स बल काफ़ी कमजोर होता है, उसको हल्का सा भी हम लोग प्रेशर देते हैं तो बंधन टूट जाता है। और वही वजह है कि ग्रेफाइट जो है ना वो मुलायम हो जाता है, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंधन के अलावे वांडरवाल्स बल उपस्थित रहता है। लेकिन इसमें कोई नहीं, सिर्फ सहसंयोजक बंधन, इसमें सिर्फ सहसंयोजक बंधन। तो ये सभी के सभी सहसंयोजक क्रिस्टल के उदाहरण तो हैं, लेकिन ये जो है ना वो अपवाद है। ये सभी के सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ये ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है इसीलिए। और ये सभी के सभी जो है ना हार्ड हैं, तो द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। थर्ड आते हैं हम लोग आण्विक क्रिस्टल। आण्विक क्रिस्टल क्या होता है, मॉलिकुलर क्रिस्टल क्या होता है, जरा सा हम लोग इसको देखेंगे। तो आण्विक क्रिस्टल का मतलब हो गया वैसा क्रिस्टल, इसको जरा सा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, वैसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण एक दूसरे से लंदन बल या द्विध्रुव द्विध्रुव बल या हाइड्रोजन बंधन इन सभी बलों के द्वारा अगर जुड़ा होता है तो उस प्रकार के ठोस पदार्थ को हम लोग आण्विक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं कौन कौन सा इसमें फोर्स रहेगा। वैसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक दूसरे से लंदन बल, याद है हमने 11th में आपको लंदन बल पढ़ाया था, लंदन बल को ही हम लोग प्रकीर्णन बल बोलते हैं। तो लंदन बल या द्विध्रुव द्विध्रुव बल, डाइपोल डाइपोल फोर्स, या हाइड्रोजन बंधन के रूप में अगर कोई बॉन्ड अगर उपस्थित रहता है उसके अवयवी कणों के बीच, तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग आण्विक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। और ये आण्विक क्रिस्टल कैसे, मतलब कौन किसको कहेंगे, क्या पहचानने का तरीका होगा? तो जो पदार्थ गैस के रूप में है नेचर में या द्रव के रूप में है और उसको अगर हमने जमा दिया, ठोस में बदल दिया, तब जो क्रिस्टल बनेगा वो ज़्यादातर आण्विक क्रिस्टल का है ना वो एग्जाम्पल होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में लेंगे हम लोग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए पहले से गैस है, लेकिन अगर इसको जमा करके ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो जो ठोस में बदलेगा तो कौन क्रिस्टल कहलाएगा, आण्विक। हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, H2O मानी बर्फ हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सभी के सभी, ये जितने भी हम लोग है ना यूरिया, ये जितना भी हम लोग यहाँ पे हमने एग्जांपल के रूप में लिखा है, HCl हो गया, ये सभी के सभी आण्विक क्रिस्टल के उदाहरण हैं। क्यों आण्विक क्रिस्टल के उदाहरण इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि या तो ये पहले से गैस के रूप में है या तो द्रव के रूप में है। और अगर पहले से ठोस के रूप में है तो उसके बीच में कोई मजबूत बंधन काम नहीं करता है। आप हल्का सा भी इसको मारेंगे ना आसानी से टूट जाएगा। जैसे सिंपल सा बर्फ ले लेते, देखिए बर्फ का फॉर्मूला H2O, और बर्फ को जब हम लोग थोड़ा सा भी प्रेशर देते हैं, थोड़ी सा हल्का सा भी मारते हैं तो चूर चूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो काफ़ी कमजोर होता है ना। ग्लूकोज है, आप देख रहे हैं हल्का थोड़ा सा भी प्रेशर देके इसको चूर चूर कर सकते हैं। यूरिया है, आसानी से चूर चूर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा भंगुर होता है। और भंगुर होने का मेन वजह क्या है, इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला बल, बोलिए मजबूत की कमजोर, कमजोर होना। तो याद रखना है इसमें लंदन बल, द्विध्रुव द्विध्रुव बल या हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहता है। इसके गुण की अगर हम लोग बात करें तो इसके गुणों के रूप में अगर देखा जाए तो इसके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न हो गए, ये ज़्यादातर मुलायम ठोस होते हैं है ना। और इसके जो अवयवी कणों का जो द्रवणांक और क्वथनांक है वो कम होता है, इसकी कठोरता कम होती है, ये बंधन कमजोर होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट बच गया हमारा वो है धातुई क्रिस्टल या धात्विक क्रिस्टल के नाम से भी हम लोग जिसको जानते हैं। तो चलिए हम लोग फोर्थ जो है उसको डिस्कस कर लें, धातुई क्रिस्टल। तो धातुई क्रिस्टल क्या होता है, धातुई क्रिस्टल का मतलब धातुई क्रिस्टल जिसको मेटेलिक क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसका कोई परिभाषा पूछे तो नाम से क्लियर है, वैसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक दूसरे से धातुई बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। अभी धातुई बंधन क्या है, आप सबको मालूम है कि जो धातु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है, धनायन।
और वो जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी जो क्रिस्टल है ना, उस क्रिस्टल के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री अवस्था में घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसलिए आपको मालूम है ना धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन के जो बादल, बादल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो ढेर सारा उसके क्रिस्टल के अंदर जो घूम रहा है, और धातु जो धनायन के रूप में है, उस धनायनों के बीच एक फोर्स काम करता है, एक बल लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, धातुई, मतलब धातुई बंधन या धात्विक बंधन, मेटालिक बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल के अवयवी कण एक दूसरे से मजबूत धातुई बंधन के द्वारा जुड़ा हो तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग धातुई क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको आसानी से बता सकते हैं, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, कोई भी धातु आप ले सकते हैं, कॉपर हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, धातु हैं। और जो धातु हैं वो किस तरह के क्रिस्टल हैं, धातुई क्रिस्टल हैं। धातुई बंधन मजबूत होता है, इसलिए देखिए लोहा, तांबा, ये जितना भी सब लिखा है सबका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होगा, है ना, और ये ज़्यादातर कठोर होते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए कि भाई क्रिस्टल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो चलिए हम लोग अभी तक क्रिस्टलीय ठोस को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने ठोस को दो भाग में बांटा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, फिर क्रिस्टल को भी चार पार्ट में बांट दिया, आयनिक क्रिस्टल, संरचनिक क्रिस्टल, आण्विक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। अब ये बार बार हम लोग क्रिस्टल क्रिस्टल का वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, कोई आपसे पूछ देगा क्रिस्टल क्या है, व्हाट इज क्रिस्टल, तो हम लोग यहाँ पे जरा सा क्रिस्टल का परिभाषा देख लें। ऐसे तो शुरू में ही बता दिए थे क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब होता है रवा, जालक, है ना, क्रिस्टल। तो चलिए क्रिस्टल को परिभाषित कर देते हैं, क्रिस्टल कहेंगे किसको, क्या हम इस तरह का कोई आकार अगर लिए हुए तो इसको क्रिस्टल कहेंगे, नहीं कहेंगे। इस तरह का कोई आकृति अगर है तो उसको क्रिस्टल कहेंगे, यस ये क्रिस्टल होगा, इस टाइप का, इस टाइप का अगर कोई चीज है तो इसको क्रिस्टल कहेंगे, हाँ कहेंगे। अब सवाल है कि सर इसको क्रिस्टल क्यों नहीं कहेंगे, ये दोनों को क्रिस्टल क्यों कहेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। क्रिस्टल का मतलब यहाँ पे, यहाँ मेन चीज़ ये है, क्रिस्टल उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं जिसमें एक निश्चित सतह हो। तो बोले सर ये भी अगर ये गोला है तो गोला में भी तो सतह होते हैं, तो सतह होना चाहिए, किनारा होना चाहिए और उसकी ज्यामिति आकृति निश्चित होनी चाहिए। अब बताओ जी इसमें सतह है, सतह तो है इसमें लेकिन कोई किनारा है, कोई पूछेगा कि गोला में किनारा होता है, बोले नहीं, घन में हो सकता है, घनाभ में हो सकता है, षष्ठकोण में हो सकता है, इसलिए इसको परिभाषित किया गया है, समतल सतह होना चाहिए, किनारा होना चाहिए और उसकी ज्यामिति आकृति निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, इसमें भी तो सतह है, किनारा है, लेकिन इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है, इसलिए इसको भी क्रिस्टल नहीं बोलेंगे। तो क्रिस्टल को यहाँ पे परिभाषित किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, क्रिस्टल का मतलब होता है समतल सतहों, समतल सतहों एवं किनारों से युक्त, समतल सतहों एवं किनारों से युक्त, ये दोनों चीज होना चाहिए, वैसे ठोस पदार्थ जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित हो, जिसकी ज्यामितीय आकृति भी क्या हो, निश्चित हो, तो उसे हम लोग क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो समतल सतह होना चाहिए, किनारा होना चाहिए और जिस ज्यामितीय आकृति क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अगर ये तीन चीज को फॉलो कर रहा है तो हम लोग उसको क्रिस्टल कहेंगे। तो क्रिस्टल इस टाइप का हो सकता है, अभी हमने बताया घन के रूप में हो सकता है, घनाभ के रूप में हो सकता है, या कोई अलग दूसरा फॉर्म में हो सकता है, मतलब उसका एक निश्चित आकृति होना चाहिए। जब निश्चित आकृति होना चाहिए तब हम लोग उसको क्रिस्टल कहेंगे। और जब क्रिस्टल में इस टाइप की चीज़ को हम अगर क्रिस्टल कह रहे हैं, मान ली घन है, इसको अगर हम क्रिस्टल कह रहे हैं तो घन में एक सतह होता है, मालूम है ना जी, जैसे ही देखिए हम ऐसे करके इसको अगर बना देते हैं तो ये हो जाएगा घन, तो ये घन जो हो गया ना, एक तरह से समझो कि ये क्रिस्टल है। तो ये जब क्रिस्टल है तो क्रिस्टल का ही क्या होगा, सतह। और ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, क्रिस्टल का किनारा, और ये जो देख रहे हैं ये हो गया कोना। तो तीन वर्ड यहाँ पे यूज होगा, पहला सतह, दूसरा किनारा और तीसरा कोना। सतह कहीं कहीं देखेंगे बुक में सतह को सतह नहीं लिखता है, सतह को फलक भी लिखा हुआ रहेगा, फलक, इंग्लिश में इसको फेस बोलते हैं।
आप बता सकते हैं एक घन में कितने सतह हैं, कितने फलक होते हैं? आपके सामने में लिखा हुआ है एक घन में छह फलक, छह सतह होते हैं। ये देखिए, एक दो तीन चार, एक आगे एक पीछे, छह को सतह होता है। 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे कहने का मतलब चार को किनारा देखिए आगे में है, एक दो तीन और चार, चार किनारा आगे, उसी तरह से चार किनारा पीछे, आठ हो गया, नौ दस ग्यारह और बारह। एक घन में छह सतह, 12 किनारे और आठ को है ना, आठ को कोना होता है जी। एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ कॉर्नर है। तो एक घन के पास आठ कॉर्नर, आठ कोना, छह सतह और 12 किनारे होते हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह से क्रिस्टल, मतलब ये दीवार है। अब जब ये दीवार है, क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे अवयवी कण होंगे। तो वो जो छोटे छोटे अवयवी कण किस तरीके से व्यवस्थित हैं, उस व्यवस्था को जो चीज बतलाता है, जो उस व्यवस्था को बतलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आकाशीय जालक। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, आकाशीय जालक, आकाशीय जालक, या इसको दूसरा नाम है, बुक में देखेंगे लिखा हुआ कहीं कहीं पे, क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस। अभी क्या होता है जरा सा समझिए। अभी जो हमने आपको फिगर बनाया था क्रिस्टल का, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है ना, ये मान लिया कि कोई क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल का जो सतह जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसके अंदर परमाणु किस तरीके से व्यवस्थित रहेगा, इसको एक हम इस तरीके से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर हमने बनाया है क्रिस्टल का, लूडो का जो डाइस होता है ना, छक्का खेलने वाला, उस टाइप का चीज हमने बनाया है। और इसी से हम आपको ये पूरा क्रिस्टल जालक के बारे में समझा देंगे। ये पूरा समझिए एक घर बना हुआ, दीवार बना हुआ, और दीवार में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ईंट को अरेंज करके बनाया गया, ईंट को सरिया दिया गया, तब जाकर के पूरा दीवार बना। तो जो ईंट जो हम लोग देख रहे हैं है ना, ये जितना भी कहीं पे मीटिंग पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, कॉर्नर टाइप का जहां पे भी बन रहा है, लग रहा है जहां पे एक ईंट दूसरे ईंट के संपर्क में है, उस सारे पॉइंट्स पे कोई ना कोई अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन भी हो सकते हैं। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन भी हो सकते हैं। मतलब ये जो हमने आपको दिखाया है क्रिस्टल के अंदर, देखिए परमाणु सब कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो व्यवस्था को जो चीज दर्शा रहा है, उसी का नाम है आकाशीय जालक। कोई आपसे पूछेगा कि आकाशीय जालक किसको कहते हैं, तो किसी ठोस पदार्थ के अंदर उसके अवयवी कणों की जो व्यवस्था को दर्शाता है उसे आकाशीय जालक कहा जाता है। किसी ठोस पदार्थ के अंदर उसके अवयवी कणों की जो व्यवस्था को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है, आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो यह उसके अवयवी कणों की व्यवस्था को दर्शा रहा है कि भाई उसके अवयवी कण कैसे व्यवस्थित हैं। ये सारा व्यवस्था आपको पता चल रहा है कि घन के आकार के रूप में है, घनाव के आकार के रूप में है, किस तरीके से व्यवस्थित है, सारे व्यवस्था को यहाँ पे सामने में दिखाया गया। और ये जो अवयवी कण जो यहाँ पे हम लोग जिस पॉइंट पे दिए हुए हैं, इस सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, जालक बिंदु, जालक बिंदु। इसी सब जालक बिंदु पर उसके अवयवी कण स्थित होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो आकाशीय जालक का है, और इस आकाशीय जालक के अंदर जो अवयवी कण जहां जहां दिखाई दे रहे हैं, उस सबका नाम क्या है, जालक बिंदु। इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण व्यवस्थित होता है, यही व्यवस्था को दर्शाता है। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके अणुओं या परमाणुओं की व्यवस्था को जो दर्शाता है उसी को आकाशीय जालक कहा जाता है। अब ये जो आकाशीय जालक है, समझिए थोड़ा सा और इसमें और डिस्कस कर दें। अब ये जो आकाशीय जालक है, आप क्या कीजिए, इसमें से इतना सा एक वो काट करके निकाल लीजिए।
आप खुद बताइए, इतना दूर से अगर हम एगो काट करके निकाल लेंगे तो किस आकार का निकलेगा? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये घन के आकार का निकलेगा, है ना? किस आकार का निकलेगा? ये घन के आकार का निकलेगा, इस टाइप का निकल जाएगा। देख लीजिए, यही हमने काट करके यहाँ से निकाल लिया है। तो ये जो एक छोटा सा पार्ट, उससे छोटा तो हम काट के निकाल नहीं सकते थे, क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट तो हमको यही दिखाई दे रहा है। तो ये आकाशीय जालक में से जो सबसे छोटा पार्ट काट करके जो हमने निकाला है, ये इसका नाम है इकाई सेल। क्या नाम है? इकाई सेल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना, इकाई सेल इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल, या आप एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो इसका नाम है एकक कोष्ठिका। क्या नाम है इसका? एकक कोष्ठिका। तो कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी, एकक कोष्ठिका क्या है? तो एकक कोष्ठिका मतलब इकाई सेल, इकाई सेल का मतलब उसका सबसे छोटा पार्ट। अब इसका परिभाषा लिखना भी है तो आराम से बता सकते हैं, किसी भी आकाशीय जालक के सबसे छोटे भाग को, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी आकाशीय जालक का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसको हमने काट करके निकाला है, उसी को आकाशीय जालक कहा जाता है। और ये जो आकाशीय जालक जो हम वहां से काट करके निकालेंगे, उसमें देखिए परमाणु सब कैसे व्यवस्थित होकर के निकलेगा, और इसी सारी व्यवस्था के बारे में हम लोगों को अब डिटेल डिस्कशन करना है। अब सवाल मेरा ये है कि ये जो हमने काट के निकाला है, ये तो भाई हमने बोला कि ये घन के आकार का निकाला है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम घन के आकार का ही काट करके निकालें, हम दूसरे टाइप्स के भी आकृति को यहाँ से काट करके निकाल सकते हैं, या दूसरे टाइप का व्यवस्था भी इसके अंदर हो सकता है परमाणुओं का। तो ऐसा कितना टाइप्स का हम काट सकते हैं? मेन रूप से इसको हम लोग 7 टाइप्स के व्यवस्था को, मैंने जैसे घन के आकार में काटे हैं, उसी तरह से ऐसा 7 तरह से हम इसको काट सकते हैं। इसलिए आपसे कोई पूछेगा कि भाई मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, जिसमें एक जो हमने यहाँ पर लिखा है वो पहला है घनाकार। कौन है? घनाकार। ऐसा ऐसा 7 को हम लोग काट सकते हैं, षष्ठकोणीय, है ना, घनाकार, ऑर्थोरोम्बिक, बहुत सारे ऐसे 7 को हम आपको डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम खाली इतना तक डिस्कशन करके छोड़ देते हैं कि ये जो हम लोग सबसे छोटा पार्ट जो आकाशीय जालक का काटा है, काट करके जो बाहर निकाला है, उसका नाम क्या है? इकाई सेल। अब इकाई सेल जो यहाँ पे है वो किस प्रकार का है? घन के आकार का है। तो यहाँ पे अब बात फिर से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि भाई घनाकार इकाई सेल किसको कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तब फिर बाकी जो और हमने आपको 7 बताया उस सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं, है ना, थोड़ा सा अपलोड होने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो बना करके यहाँ आप लोगों को अपलोड करें। चलिए, यहाँ तक याद रखना आप लोगों को, यहाँ तक जो हमने आपको बताया, इसमें से अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिएगा, उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमसे, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका क्वेरीज का तुरंत सॉल्यूशन करेंगे।